गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिएगा, चैप्टर नंबर सेकंड को ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने जो है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को जो है स्पॉइल करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, जैसे हमने बताया क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया ना। तो ये जो फूड को जो है पॉइजनस कर देते हैं या स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो अपन फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रखते हैं लंबे टाइम तक, इसको अपन कैसे खराब होने से बचा सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन जो है फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए करते हैं इसके अंदर। तो फूड प्रिजर्वेशन के अपन अलग अलग मेथड्स आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या सॉल्टिंग ऑयल, सनलाइट, इन से अपन जो है फूड को जो है प्रोटेक्ट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर हाउ द फूड हाउ इज द स्पॉइल्ड फूड अफेक्ट, यानी जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो अपने को कैसे अफेक्ट करता है या उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाता है। देखिएगा, अगर फूड स्पॉइल्ड हो जाता है तो इमिट बैड और फॉल स्मेल, ये गंदी स्मेल आने लग जाती है इसके अंदर से, क्योंकि फॉल स्मेल वो खाने लायक नहीं रह जाता, या फिर टेस्ट इज चेंज। फूड का जो है वो अगर स्पॉइल्ड होता है बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू इज अफेक्टेड, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसका जितना अपने को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो अपने को अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और कलर चेंज, और इसके अलावा फूड का कलर चेंज हो सकता है। ये स्पॉइल फूड के जो है वो अपन प्रैक्टिस बता सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दिया है इसके अंदर, टेक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। आपको जो है एक ब्रेड को जो है अलग अलग प्लेस पे जो है रखना है, अलग अलग कंडीशन के अंदर रख के जो है उसको देखना है इसके अंदर। एक को आपको वार्म प्लेस पे रखना है, जैसे आपको किचन के अंदर रख दिया हल्का सा उसको मॉइस्चर करके, और एक आपको ब्रेड के पीस को जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, और एक ब्रेड के पीस को जो है ओवन के अंदर रखना है। आप कुछ दिन के लिए, 5 days के लिए उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप 5 days के बाद में उसको ऑब्जर्व करिएगा। जो आपने किचन के अंदर आपको मॉइस्ट जो ब्रेड रखा उसके ऊपर आपको फंगस ग्रो होता हुआ नजर आएगा इसके अंदर, और आपने जो रेफ्रिजरेटर और ओवन के अंदर जो ब्रेड का पीस रखा उसके ऊपर कोई भी फंगस का ग्रोथ नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। तो उनको जो सूटेबल कंडीशन होती है, टेम्परेचर, फूड और वाटर का अवेलेबिलिटी होता, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं इसके अंदर। तो फूड प्रिजर्वेशन जो है अपने को, देयर आर मेनी एडवांटेज क्या है फूड प्रिजर्वेशन के, तो देयर आर द मेनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड। तो इसमें से देखिए पहला है, इसमें फूड को अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो उसका अपने को क्या फायदा मिलता है। पहला इसके अंदर रिड्यूस इज द फूड वेस्टेज बाय द अवॉइडिंग स्पॉइलेज, यानी फूड का जो वेस्टेज होता है खराब होने की वजह से उसको अपन कम कर देते हैं ना, तो रिड्यूस द फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ द फूड स्टॉक, यानी अपने जो है फूड को ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू इज द रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी अपने पता है कि जो स्पॉइल होता है फूड तो न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, अगर अपन प्रॉपर प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लंबे टाइम तक रहता है। एंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंस प्लेसेस ड्यूरिंग द ऑफ-सीजन, ऑफ-सीजन के टाइम में जो दूर वाली जगह है तो वहां तक भी जो है फूड को बिना स्पॉइल किए पहुंचा सकते हैं, अच्छे कंडीशन में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो टॉपिक है इसके अंदर में मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स जो है जनरली अपन यूज कर सकते हैं फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर फर्स्ट मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर बाय सॉल्टिंग एंड सुगर, बाय सॉल्टिंग एंड सुगर। देखिए स्टूडेंट, ये मेथड अपन जनरली यूज करते हैं अपने घरों के अंदर भी, हाउसेस के अंदर भी, या तो अपन सॉल्ट या फिर सुगर, अपन कोई भी फूड आइटम जैसे अपन पिकल्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा ऐड कर देते हैं, या फिर जैसे आपका आंवला का मुरब्बा बनाते हैं उसके अंदर शुगर सिरप के अंदर उसको रख देते हैं, तो या तो सॉल्ट ऐड करके या शुगर ज्यादा ऐड, शुगर के अंदर या शुगर सिरप के अंदर अपन फूड को रखते हैं तो काफी टाइम तक वो जो है वो स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता। तो इस तरह से फूड को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं बाई सॉल्टिंग एंड शुगर से। ठीक है, इससे अपन जो है जैसे जैम है, जेलीज है, पिकल्स है, इन सबको जो है
ये अपन करते हैं, या फिर जो अपन रॉ मैंगोज है, आमला, टर्मरिंड, इनको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर जो इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश इनको भी सॉल्ट का यूज करके प्रिजर्व कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली इनका यूज करने से क्या करता है, ये सेल के अंदर से वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे वाटर का कमी होने की वजह से अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर कोई माइक्रो इजिली ग्रो नहीं कर पाते, फंगस वगैरह। नेक्स्ट मेथड है इसके अंदर ऑयल, विनेगर और स्पाइसेस। अगला मेथड है इसके अंदर बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस। इनका यूज करके भी अपन फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इसके अंदर अपन यूज करते हैं, जैसे अपने घर के अंदर जो अचार वगैरह पिकल्स बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल क्या करेगा, बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो नहीं होने देगा, ऑयल के अंदर बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा विनेगर जो होते हैं उसका भी यूज करते हैं अपन, विनेगर एसिटिक एसिड जो होता है वो भी जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है इनहिबिट करता है, उसको ग्रोथ नहीं करने देता है। स्पाइसेस जो है ये भी बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे अपने स्पाइसेस के अंदर जैसे टर्मरिक है, ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय हीटिंग, ठीक है, कुछ फूड जो है अपन उसको हीट करते हैं तो हीटिंग मेथड से भी अपन जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हीट करके अगर अपन रखेंगे तो हीटिंग, जैसे अपन मिल्क को है, मिल्क का जो है हीट करने से इसके जर्म्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और उसको जो है अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, ठीक है, अपन फूड को जो है लो टेम्परेचर पे जो है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग करके जो है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, तो रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग से भी अपन फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली अपन कर क्या है, रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग के अंदर बहुत लो टेम्परेचर पे अगर अपन फूड को रखें तो बैक्टीरिया को प्रॉपर इन्वायरमेंट या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं होगा, सुटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है टेम्परेचर अपन जैसे 5 डिग्री तक का मेंटेन करते हैं इसके अंदर, तो उससे फूड जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रह सकता है इसके अंदर, या फिर जो है फ्रीजर्स के अंदर जो है डीप फ्रीजिंग के अंदर -18 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यूज करके जब अपन फूड को कई महीनों तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, इसको फ्रोजन फूड्स भी बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो था इसके अंदर। नेक्स्ट मेथड है इसका आपका बाय स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से भी जो है वो अपन फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ फूड आइटम जैसे इसके अंदर अपन बताएंगे, जैसे मीट और फिशेज होती हैं, इनको जो है स्मोकिंग से जो है स्मोकिंग का जो यूज करते हैं, स्मोकिंग यूज फॉर द डिहाइड्रेटिंग द फूड आइटम, यानी डिहाइड्रेटिंग इसमें वाटर को रिमूव करने के लिए स्मोकिंग का यूज, धुएं का यूज करते हैं, तो उसमें से डिहाइड्रेट हो जाएगा तो उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम होगा, तो इस तरह से फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाई सन ड्राइंग, अपन कुछ वेजिटेबल्स वगैरह को जो है वो कट करके सन ड्राई कर देते हैं, इसके अंदर सुखा लेते हैं, तो सन ड्राइंग के द्वारा भी जो है अपन फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट अपन जैसे वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट्स है उनको अपन काट के जो सुखा देते हैं, जैसे स्पिनिच है, कॉलीफ्लावर है, मेथी है, और फूड से क्या हो जाता है सन ड्राई करने से वही डिहाइड्रेशन होता है, वाटर कम होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर बाय पाश्चुराइजेशन, तो 7th मेथड है इसके अंदर पाश्चुराइजेशन, ठीक है। पाश्चुराइजेशन तो पाश्चुराइजेशन मेथड के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, मेनली इसको यूज करते हैं मिल्क के लिए, लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर करा था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन मिल्क के लिए मेनली यूज करते हैं, ये मिल्क अपने मिल्क को जो है 15 to 30 seconds के लिए जो है 70 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं इसको एकदम से, और वापस उसको कूल करते हैं, तो इससे क्या होता है उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, और ये जो आपका मिल्क है वो देन आपको इसको जो है लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख लेते हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक जो है वो स्पॉइल्ड नहीं होता है, तो ये मेथड हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर भाई प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकेजिंग, तो ये तो है प्रॉपर स्टोरेज और पैकेजिंग, तो अगर अपन सही से इसको स्टोर करके रखेंगे, पैक करके रखेंगे, तो भी फूड आपका जो है वो स्पॉइल्ड नहीं होगा इसके अंदर। तो कॉमन प्रैक्टिस के अंदर अपन जो फूड को जो एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर एयर अगर अवेलेबल नहीं होते तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता, तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर अपन पैक करके रखते हैं तो फूड का जो स्पॉइलेज नहीं होता।
तो ये तो था अपना इसके अंदर आपका फूड स्पॉइलेज, ठीक है, सॉरी फूड प्रिजर्वेशन। तो स्पॉइलेज होने से बचाने के कौन कौन से मेथड्स है ये इम्पोर्टेंट है, तो अपने ये से 8 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक आपका था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है, और मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ओके स्टूडेंट। एक टॉपिक और है इसके अंदर इसका बाद में आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन साइकिल को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।